नागिन 3 की शुरुआत तो काफी धमाकेदार रही। शो में जहां करिश्मा और अनीता का नागिन अवतार लोगों को खूब पसंद आया, तो वहीं बेला के रूप में सुरभि ज्योति को देखकर लोग काफी उलझन में पड़ गए, क्योंकि बेला की एंट्री शो में एकदम आम सी लड़की की तरह हुई थी। हालांकि खबरें हैं कि बेला शो का सबसे बड़ा सस्पेंस है, तो आखिर सुरभि शो का वो कौन सा सस्पेंस है, इस सवाल का जवाब हम आपको देते हैं। दरअसल शिवांगी का पुनर्जन्म हो सकती है बेला। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो शिवांगी यानी मौनी बेला के रूप में लौट आई हैं, और हो ना हो वही शिवांगी का पुनर्जन्म है जो अब सहगल फैमिली को बर्बाद करने के लिए लौटी हैं। दरअसल गौर करने वाली बात एक और है कि जब नागिन 3 की शुरुआत हुई थी तो शिवांगी की मौत का एक छोटा सा चंक दिखाया गया था, जिसमें वो कहती है कि वो फिर से लौटेगी, और फिर बाद में ट्रैक इच्छाधारी नागिन रूही के रिवेंज की तरफ बढ़ता है। पिछले हफ्ते दिखाया गया है कि कहानी में 6 महीने का लीप आया और बेला की शादी का ट्रैक अब शो में दिखाया जा रहा है। तो वहीं इच्छाधारी नागिन विशाखा सहगल फैमिली में दाखिल हो गई हैं, रूही के साथ हुई ज्यादती का बदला लेने, और तो और एक आरोपी को तो उसने मार भी दिया है। लेकिन सोर्सेज की माने तो आगे शो में ये रिवील होगा कि विशाखा और बेला दोनों साथ मिली हुई हैं, दोनों दोस्त हैं और मिलकर ही सहगल फैमिली को बर्बाद कर रही हैं। यहाँ तक कि कहा तो ये भी जा रहा है कि बेला यूवी से शादी भी इसी सीक्रेट मोटिव के तहत कर रही हैं, ताकि फिर दोनों मिलकर अपना जहरीला खेल आसानी से खेल सकें। हालांकि इस बात पर अभी तक पर्दा पड़ा हुआ है कि आखिर सुरभि का रोल शो में है क्या, जबकि रिपोर्ट्स ऐसी मिल रही हैं कि आगे ये जरूर रिवील होगा कि बेला शिवांगी हो सकती हैं, और इस तरह शिवांगी की मौत का राज भी इसी सीजन में खुलेगा। यकीनन इतनी डिटेल्स काफी हैं शो के अगले एपिसोड को देखने के लिए कि आगे शो में और कैसे कैसे सस्पेंस का राज खुलेगा। वैसे इस बारे में आप क्या सोचते हैं?